जानते हैं हमारे शहर अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने श्री मनोहर मैडम जो है नायब तहसीलदार कोरोडा के, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो गैर हाजिर रहते हैं। और उनका एक आरोप और है कि वहां पर मच्छिंद्र शेड़के है, अन्नदाते हैं वहां पर, बोल के दो बंदे हैं वो पैसे लेते हैं। तो इस पर हमने कल मैडम की प्रतिक्रिया ली है और मैडम से जाने कि अगर वहां पे ऐसा कोई गैर कानूनी काम होता है या कोई पैसे लेते हैं क्या वहां पर, तो मैडम का बोलना है कि भाई ऐसी कोई बात होती नहीं है। और मैडम ने एक बात और बोले कि भाई यहाँ पर जो है तो शेख अकबर शेख अकबर जो है तो उनके निजी काम के लिए यहाँ पर आए थे और राशन कार्ड में कुछ नाम बढ़ाना था, इसलिए उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने उनके ऊपर जो है तो तकरार करे कि आप जानेंगे उनसे क्या ये बात सही है क्या, और क्यों उन्होंने तकरार करे, क्या मसला था। ठीक है मैडम से अपनी प्रतिक्रिया ली। मैडम का बोलना है कि मेरे खुद के काम के लिए, क्योंकि मैं एक कांग्रेस का जिम्मेदार नागरिक हूँ सिल्लोर शहर का, मैं आज एक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के नाते मेरे पास बहुत लोगों को मेरे से उम्मीद है, कहीं कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष इनसे कानपुर की उम्मीद है। मैं पहले तो गरीब बस्ती में रहता हूँ यशवंत नगर में, इससे पहले मैं यशवंत नगर में रहा हूँ, वहां से चार बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो ये लोगों की मेरे से आस है कि रुपये मेरे से हमारे राशन कार्ड में ऑनलाइन हो रहे नहीं, हमको राशन नहीं दे रहे। इससे पहले मैं राशन दुकानदारों की भी कंप्लेंट करा था कि राशन दुकानदार जो दिवाली जो आते समझो दशहरे का इसका जो पैकेज आया दाल वो या अभी तक बांट रहे नहीं, मैं दो चार बार कंप्लेंट करा मैडम का ने। और इससे पहले मैंने मैडम को कहा था भी कि जो तुम्हारे जो प्राइवेट कर्मचारी अन्नदाते और एक छेड़के ये नाम की युक्ति जो है सब ये जो तो लोगों से पैसों की मांग करते, यानी अगर किसी के नाम उड़ गए आज समझो मेरे, ठीक है मेरा अगर खुद का काम है तो मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ, मुझे भी राशन कार्ड का अधिकार है। मैं पहले इससे पहले यशवंत नगर में हमारे वालिद साहब ना मेरे पिताजी के नाम पे राशन कार्ड है, ठीक है मैं खुद के काम के लिए गया था लेकिन मैं लोगों के काम के लिए भी जाता हूँ। मैडम को ये मालूम नहीं, ठीक है मैडम दूर बोले, लेकिन एक काम करो आप तहसील परिसर जो आज है समझो आज जाके देखिए मैडम वहाँ मौजूद है, मैडम की वजह से आने जाने वाले जो ग्रामीण भाग। मैडम का बोलना है कि भाई मेरे तरफ जो तो सिल्लोर तालुके की जिम्मेदारी है और सिल्लोर तालुके की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, मैं विजिट के लिए जाती हूँ, मैं मेरा काम जो है तो बहुत ही खूबी से निभा रही हूँ, ऐसा मैडम का कहना है। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? ठीक है ना, देखिए अपन भी समझ सकते हैं कोई समझो तालुका बहुत बड़ा है काम, लेकिन वहाँ तहसीलदार खुद मौजूद सामने कैबिन में तहसीलदार मौजूद, मैडम मैं पीछे जाके गया, मैं तीन मरतबा जा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं व्यक्तिगत क्या मेरा काम नहीं हो तो मैं मैडम की कंप्लेंट करूँ, क्योंकि इतने समझो इतने जाहिर भी नहीं है अपन। देखिए जी हकीकत में लोग परेशान हैं, लोगों की जो ग्रामीण भाग से जो आते जाते ये लोग जो तो परेशान है, वहां जाके तुम खड़ो ना, ठीक है तुम्हें जिम्मेदार, तुम भी चौथा स्तंभ है आज पत्रकार का चौथा स्तंभ है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि कोई अगर कोई किसका है झूठ बात नहीं कर सकता, ठीक है मैडम मैं पूर्व अधिकारी है, मुझे मैडम से व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है, ठीक है अगर मेरा अगर मैडम कहते हैं कि मैं खुद का काम लेके गया था, ठीक है खुद का काम लेके गया था क्या गलत है इसमें, ठीक है मेरे राशन कार्ड है मेरे लोग 17 लोग हैं, आज हम चार भैया उनके चार हो गए औरता यानी मेरे वालिद मेरे पिताजी मेरी माताजी, हम जब साथ में रहते तो हमारे को विभाजन करने का मैडम को किसने अधिकार दिया, मेरी मांगनी इतनी थी कि ठीक है तुम आज मेरे 17 नाम है तो मैडम का अगर बोलना है कि इसको विभाजन कर दो तो मेरी जो तो पीली पहले से पीली पत्रिका है सिर्फ पत्रिका पीली है और दूसरी पत्रिका मैं तुम्हारे गुलाबी दूंगी, ठीक है पर तुम्हारे ये अधिकार किसने दिया हमको विभाजन करने का, ठीक है अगर ऐसे जीआर है तो तुमको जीआर की एक प्रत एक कॉपी दे दो, मेरा बोलना इतना था मैडम को ऐसे जीआर है ना कि 20 अगर व्यक्ति हम एक पत्रिका में डाल नहीं सकते सिर्फ पत्रिका में तो ऐसे जीआर की कॉपी दे दो मैं चल जाता। और मैंने मैडम को ये यहां तक का बोला अगर ऐसी अगर बात होंगी तो जो गरीब लोग उनको समझता नहीं तो मैं जन जागृति करता, मैं जाके मेरे हर बस्ती में एक मंडप लगा के जन जागृति करता कि भाई 17-15 नामों के ऊपर नाम आते नहीं। कल मैडम ने हमारे को ये बताया कि हमारे पास में जो है तो 14 नाम के ऊपर मैं नाम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकती, ऐसा शासन निर्णय है ऐसा उनका बोलना था, उनमें से एक परत लेना था जीआर की परत लो उनसे, उन्होंने परत दी थी अरे मैं साहब मैं कलेक्टर ऑफिस जाके आया हूँ ऐसा कोई भी जीआर नहीं है बोले जिसमें 16-15 के ऊपर डाल नहीं सकते उनको अधिकारी। दूसरा आपने एक उनके ऊपर आरोप करे है कि उनके वहाँ के जो कर्मचारी है वो पैसे लेते, तो आपके पास में ऐसा कोई देखने में आया कि उनसे आपने कभी उन्होंने आपसे कभी पैसे लिए या किसी से पैसे की मांग नहीं करे, ऐसा आपके पास कोई पुरावा है क्या? देखिए मेरे से तो पैसे नहीं मांग सकते हो, मैं एक पार्टी का एक शहर अध्यक्ष जिम्मेदार हूँ, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं यानी किसी के नाम हो जाते हैं कोई 10 नाम उनके 4 नाम हो गया अगर उनको ऑनलाइन करने के लिए उनको इतनी दिक्कत होती है यकीन मानिए तुम वो परेशान है, मेरे पास लोग है और मैं ये जो यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे मैं मैडम को मैं जाके यानी आपके पास आपका बोलना ये कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो बोल सकते हैं जी पैसे लिए, मैं पूरे शिष्टमंडल के साथ वो जो लोग हैं जिसकी परेशानी हो रही है कि ऑनलाइन नहीं कर रहे पैसे मांग रहे ऐसे लोग हैं मेरे पास, मैं शिष्टमंडल के साथ तहसीलदार के पास और कलेक्टर मैडम जो अपने रानी भोसले मैं उनको नहीं जाना है उनके नहीं जाने वाला ये लोगों को लेकर
मिसाल में अभी दो तीन लोग मेरे पास अभी मौजूद है, दो तीन में ऐसे 11 लोग है जिसने जिन्होंने ये दोनों ने जो इसमें प्राइवेट लोग जो लगाए हुए पैसे की मांग करे ऑनलाइन। और मिसाल के तौर पर एक पार्टी है मूसा भाई, ये यशोद नगर में सरकारी कॉलेज के पीछे रहते। अच्छा, क्या नाम बोले इनका? शेख मूसा शेख अच्छा। तो आपका क्या बोलना है? हमारा राशन कार्ड में हम 4 बजे से टकरा हमारे फिर के पास। अच्छा, तो राशन कार्ड हो जाए हो जाए हो जाए और होता ही नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने उसको जगह भी दिए, राशन दुकान पे भी दिए, 5 जगह के बाद नाम कट कट हो गए। तो जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे हैं कि हमारे साथ में फिरोज भाई थे, और फिरोज भाई का ये बोलना है कि भाई मेरे पास में 10-12 लोग ऐसे हैं जो आरोप कर रहे हैं कि भाई जो है तो वहां पर तहसील कार्यालय के अंदर पैसे लेने के बाद में ही काम होता है। तो फिरोज भाई, ऐसे अगर आपके पास में पुरावा है तो इसके आगे आप क्या कार्रवाई करने का क्या करना चाहेंगे? साहब ठीक है, ये मैडम का मैडम बोलते व्यक्तिगत, ये जो लोग हैं ना मेरे पास, ये मेरे पास फाइल मौजूद है। मैं ऐसे जरूरी नहीं है कि राशन कार्ड के मुद्दे भी काम करता हूँ, लोग कोई दवाखाने के काम या ऑपरेशन के काम, घाटी के काम या पुलिस स्टेशन के काम, ऐसे लोगों के ऊपर मैंने जो तो तकरार मैंने लिख के लिया इनसे, अगर तुम आज बोले तो कल को पलट नहीं जाना। तो इनसे मैंने लिख के कोरे कागज में लिख के लिया, उनके सया लेवाए, उनका नाम लेवाए, उनके राशन कार्ड का नंबर लेवाए, तुम्हें कोई दिक्कत क्या है? तो ऑनलाइन में हमारे 4 नामा उड़ गए, 4 नामा बाकी है, लेकिन हम जाते कि वो 4 नामा कब वापस आएंगे? तो हमने राशन दुकानदारों के पास भी पूरे आधार कार्ड की जेरॉक्स दिए, ये अन्नदाता के पास भी आधार कार्ड की जेरॉक्स दिए, और इनका बोलना है हम जाते मैडम को भी नहीं, तो मैडम आ रहे थे नहीं, मैडम कभी 2 बजे के बाद आते, कभी आते नहीं, आए तो फिर हम बोलते आप स्थानीय के वास्ते बाहर आए हुए, ग्रामीण भाग में आए हुए, मेरे पीछे ये काम है वो काम है, मैडम वहाँ मौजूद नहीं रहते। देखिए झूठ मैं मैडम पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये हकीकत है। तुम आपको अगर इसका जो भी हमें इसका प्रूफ चाहिए तो तुम तहसील में कार्यालय में आज अभी अभी फिलहाल में अभी समझो आज जो क्या बुधवार है वहाँ जाओ, अभी जाओ अगर मैडम जी जो भी तो आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए आप देख रहे थे सिलोड समाचार, और यहाँ पर जो मौजूद थे हमारे साथ में फिरोज भाई, फिरोज भाई का बोलना है कि भाई यहाँ पर जो कारोबार चल रहा है और उनके पास में कुछ पुरावे हैं, अब देखते हैं आज। और एक मुद्दा है, नवीन शीत पत्रिका आकारण्यात येणारे दर, शीत पत्रिकेसाठी आकारण्यात येणारा दर, नवीन पिवळी शीत पत्रिका 10 रुपये, नवीन केसरी शीत पत्रिका 20 रुपये, नवीन शुभ शीत पत्रिका 50 रुपये, दुय्यम पिवळी शीत पत्रिका 20 रुपये, दुय्यम केसरी शीत पत्रिका 40 रुपये, दुय्यम शुभ शीत पत्रिका 100 रुपये। हे दर आकारण्यात येणार का नाही? कधी हे मॅडम 200-300 रुपये बँकेत भरावा लावतात, माझं म्हणणं हेच आहे, हे कशाला दवा याचा जी आर आहे सगळं आहे, तुम्ही याचे बोर्ड लावा ना, तुम्ही तहसील कार्यालय समोर याचा बोर्ड लावा, तुम्हाला किती चलन आकारण्यात येणार आहे, तुम्हाला शीतपत्रिकासाठी किती लागणार याचा बोर्ड काऊन नाही लावताय? याचा बोर्ड लावा, लोकांची परेशानी घेऊन येणार जाणारे जे ग्रामीण भागातले खेडेपातले लोक जे काय मजदूरी सोडून राशन कार्डसाठी सेपरेट शीतपत्रिकासाठी येतात, मग त्याला माझ्या कधी मॅडम नाही राहतात, ते वापस आले जातात, कधी म्हणते नंतर या परवा या, आज नेटची प्रॉब्लेम आहे ऑनलाईन होत नाही, अहो तुम्ही याचा बोर्ड लावा ना, तुम्हाला याची फीस किती आहे काय, फक्त माझा म्हणणं आहे तुम्ही याचा बोर्ड लावा, तुम्ही तहसील कार्यालयाचे आकारा, तुमचा पुरवठा विभागात याचा बोर्ड बाहेर बोर्ड लावा, लोकांना ते बोर्डवर वाचता येईल आणि ते वाचून